हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट सदी की एक बहुत ही फेमस पोयम आफ्टर ब्लेनहम। द पोयम आफ्टर ब्लेनहम वाज रिटन इन 1796। रॉबर्ट सदी ने इस पोयम को 1796 में लिखा था। इट इज़ एन एंटी वॉर पोयम। ये एक एंटी वॉर पोयम है, यानी इस पोयम में पोएट वॉर से होने वाले नुकसान को बताते हैं। वो बताते हैं कि वॉर किसी भी परेशानी का हल नहीं है, वॉर किसी भी तरह जायज़ नहीं है। द पोयम इज़ सेट ऑन द बैटल ऑफ ब्लेनहम दैट टुक प्लेस इन 1704। ये पोयम बैटल ऑफ ब्लेनहम पर बेस्ड है जो 1704 में हुआ था। The poem consists of 11 stanzas and the rhyming scheme of each stanza is A, B, C, B, D, D. इस poem में total 11 stanzas हैं, 11 stanzas हैं और हर एक stanza की rhyming scheme A, B, C, B, D, D है। Robert Southey was born on 12th August 1774 and he died on 21st March 1843. He was an English romantic poet. रॉबर्ट सदी का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वो एक रोमांटिक पोएट थे। He was appointed as the poet laureate of England from 1813 till his death in 1843. 1813 से लेकर 1843 तक रॉबर्ट सदी इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट थे। फ्रेंड्स, रॉबर्ट सदी एक रोमांटिक पोएट थे और रोमांटिक पोएट्स आम तौर पर हाईली इमेजिनेटिव पोएम्स रिलेटेड टू नेचर और ब्यूटी लिखा करते हैं। लेकिन आफ्टर ब्लेनहम कोई रोमांटिक पोएम नहीं है, बल्कि ये एक एंटी वॉर पोएम है। इस पोएम में पोएट ने ये बताया है कि जब कोई वॉर होता है तो उस युद्ध में किसी एक की हार या जीत नहीं होती है। वॉर से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, हज़ारों लाखों लोग मारे जाते हैं और चारों तरफ तबाही मचती है। 1704 में बैटल ऑफ ब्लेनहम हुआ था और ये पोयम इसी बैटल ऑफ ब्लेनहम पर बेस्ड है। ब्लेनहम का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था और अंत में इस युद्ध को इंग्लैंड ने जीता था। ये युद्ध ब्लेनहम नाम के ही एक जगह पर हुआ था जो साउथ जर्मनी में सिचुएटेड है। तो चलिए अब इस पोयम को लाइन बाय लाइन डिटेल में समझते हैं। इट वॉज अ समर इवनिंग, ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन एंड ही बिफोर हिज कॉटेज डोर वॉज सिटिंग इन द सन। फ्रेंड्स, पोयम की शुरुआत होती है हमें ये बताते हुए कि गर्मी का मौसम है, शाम हो रही है और ओल्ड कैस्पर, बूढ़ा कैस्पर जो कि एक किसान है, वो अपना सारा काम ख़त्म करके अपने घर के आगे आराम से बैठा है और शाम के ढलते हुए सूरज को देख रहा है। एंड बाय हिम स्पॉटेड ऑन द ग्रीन हिज लिटिल ग्रैंड चाइल्ड विलेलमीन। और ओल्ड कैस्पर के बगल में ही उसकी ग्रैंड चाइल्ड यानी उसकी पोती विलेलमीन भी बैठी हुई है। She saw her brother Peterkin roll something large and round. तो विलेलमीन अपने दादा ओल्ड कैस्पर के साथ बैठी हुई थी और तभी वो अपने भाई पीटरकिन को देखती है। पीटरकिन खेल कर वापस ओल्ड कैस्पर और विलेलमीन की तरफ आ रहा था। विलेलमीन देखती है कि उसका भाई पीटरकिन अपने साथ कोई बड़ी गोल सी चीज़ लेकर आ रहा है। पीटरकिन उस बड़ी गोल सी चीज़ को रोल करता हुआ, लुढ़काता हुआ लेकर आ रहा था। विच हे बिसाइड द रिवलेट इन प्लेइंग देयर हैड फाउंड। रिवलेट का मतलब होता है छोटी नदी। तो पीटरकिन जब नदी के किनारे खेल रहा था तब वो बड़ी सी गोल सी चीज़ उसे वहाँ पर मिली थी। ही केम टू आस्क वॉट ही हैड फाउंड दैट वॉज सो लार्ज एंड स्मूथ एंड राउंड। अब पीटरकिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये बड़ी सी गोल सी चीज़ क्या है, तो वो इसके बारे में पूछने के लिए अपने दादा ओल्ड कैस्पर की तरफ आ रहा था। ओल्ड कैस्पर टुक इट फ्रॉम द बॉय हु स्टूड एक्सपेक्टेंट बाय। और जब पीटरकिन ओल्ड कैस्पर से पूछता है कि ये क्या चीज़ है,
तो ओल्ड कैस्पर वो चीज़ पीटरकिन से ले लेता है और वो मासूम सा पीटरकिन उत्सुकता से अपने दादा की तरफ देख रहा था। वो इस इंतज़ार में था कि कब उसके दादाजी उसे उस चीज़ के बारे में बताएंगे जो उसे खेलते वक्त मिला था। आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर देयर इज़ मैनी हियर अबाउट। अब ओल्ड कैस्पर पीटरकिन से कहता है कि तुम्हें खेलते वक्त एक इंसानी खोपड़ी मिली है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मुझे तो गार्डन में इस तरह की खोपड़ी मिलती ही रहती है। यहाँ पर अनगिनत लोगों के कंकाल दबे हुए हैं। एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लाउ द प्लाउ शेयर टर्न्स देम आउट। और जब मैं खेती करने जाता हूँ और खेतों में हल चलाता हूँ तो हल के नुकीले हिस्से से टकरा कर ज़मीन में दफन ढेर सारे कंकाल और खोपड़ी बाहर आ जाते हैं। फॉर मैनी थाउजेंड मैन सेड ही वे स्लेन इन दैट ग्रेट विक्ट्री। स्लेन का मतलब होता है मारे जाना। तो ओल्ड कैस्पर कहता है कि हमें यहाँ पर इतने सारे स्कल और हड्डियाँ मिलती हैं क्योंकि इसी जगह पर वॉर हुआ था और इस युद्ध में हज़ारों लोग मारे गए थे। और एक बार फिर ओल्ड कैस्पर वॉर को ग्रेट विक्ट्री बताता है। नाउ टेल अस व्हाट इट वाज ऑल अबाउट यंग पीटरकिन, ही क्राइज एंड लिटिल विलेलमीन लुक्स अप विद वंडर वेटिंग आइज। अब ओल्ड कैस्पर तो एक्सपीरियंस्ड है, उसे पता है कि युद्ध कितने भयानक होते हैं, उसे पता है कि युद्ध में कितनी सारी मौतें होती हैं, तबाही मचती है, लेकिन पीटरकिन तो मासूम है तो उसे युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो इन सब बातों से अनजान है। वो बहुत ही उत्सुकता से ओल्ड कैस्पर से पूछता है कि ये युद्ध, ये लड़ाई आखिर क्यों हुई, क्या वजह थी जो ये युद्ध हुआ और इतने सारे लोग मारे गए। और पीटरकिन की बातों को सुनकर छोटी सी विलेलमीन भी ओल्ड कैस्पर को देखने लगती है। नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर एंड व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर। पीटरकिन वॉर के कारणों के बारे में ओल्ड कैस्पर से पूछता है। वो ये जानना चाहता है कि आखिर युद्ध किस वजह से हुआ था। इट वॉज द इंग्लिश, कैस्पर क्राइड, हु पुट द फ्रेंच टू राउट। राउट का मतलब होता है हराना या फिर डिफीट करना। तो ओल्ड कैस्पर पीटरकिन के सवालों का जवाब देता है। वो कहता है कि ये वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया था। बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट, बट एवरीबडी सेड कोथ ही दैट इट वॉज़ अ फेमस विक्ट्री। ओल्ड कैस्पर कहता है कि मुझे ये तो पता है कि ये युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये युद्ध किस कारण से हुआ था। युद्ध के कारणों का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। हालांकि सभी तो यही कहते हैं कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई। माय फादर लिव्ड एट ब्लेनहम देन यॉन लिटिल स्ट्रीम हार्ड बाय। हार्ड बाय का मतलब होता है पास में या फिर नज़दीक में। अब ओल्ड कैस्पर अपने बचपन के दिनों को याद करता है और पीटरकिन को बताता है कि मैं बहुत छोटा था जब ये वॉर हुआ था और उस ज़माने में मैं अपने फादर और अपने परिवार के साथ ब्लेनहम नाम के एक जगह पर रहता था। हमारा घर एक छोटी नदी के पास हुआ करता था। दे बर्न्ड हिज ड्वेलिंग टू द ग्राउंड एंड ही वॉज फोर्स्ड टू फ्लाई, सो विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लेड, नॉर हैड ही वेयर टू रेस्ट हिज हेड। और उस वॉर में, उस युद्ध में फ्रांस के सोल्जर्स ने, दुश्मन सेना ने हमारे घरों को आग लगा दी थी। हमारे घर जलकर राख हो गए और मेरे फादर, मेरी माँ और मुझे लेकर कहीं दूर चले गए। हमने ब्लेनहम को तो छोड़ दिया था, लेकिन हमने अपना सर ढकने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। हम इसी हाल में इधर उधर भटकने को मजबूर थे। विथ फायर एंड स्वॉर्ड द कंट्री राउंड वॉज वेस्टेड फार एंड वाइड। वेस्टेड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। ओल्ड कैस्पर कहता है कि युद्ध के समय हर तरफ बर्बादी का नज़ारा था। सोल्जर्स एक दूसरे पर तलवार से हमला कर रहे थे, चारों तरफ तबाही का मंजर था। फ्रेंड्स, यहाँ ओल्ड कैस्पर अपने पोते पोती को युद्ध में होने वाली घटनाओं के बारे में बता रहा है
वो बता रहा है कि वॉर कितने भयानक होते हैं. एंड मैनी अ चाइल्डिंग मदर देन एंड न्यू बॉर्न बेबी डाइड. चाइल्डिंग मदर का मतलब होता है प्रेग्नेंट औरतें. ओल्ड कैस्पर बताता है कि उस युद्ध में लाखों सैनिक तो मारे ही गए, लेकिन साथ ही साथ कई मासूम बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों की भी जाने गई थी. बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री. ओल्ड कैस्पर कहता है कि हर वॉर में, हर युद्ध में ये सब चीज़ें तो होती ही हैं. जब भी दो देशों के बीच युद्ध होगा तो उसमें लोगों की जानें तो जाएंगी ही और साथ ही साथ तबाही भी होगी. इन सब चीज़ों के बिना वॉर कैसे संभव हो सकता है? फ्रेंड्स, यहाँ कैस्पर तो दुखी था, लेकिन फिर भी वो यही कहता है कि ये हमारे लिए एक फेमस विक्ट्री थी. दे से इट वॉज अ शॉकिंग साइट आफ्टर द फील्ड वॉज वन फॉर मैनी थाउजेंड बॉडीज हियर ले रॉटिंग इन द सन. आगे ओल्ड कैस्पर कहता है कि जब हमने युद्ध जीत लिया था, जब वॉर ख़त्म हुआ था, तब यहाँ का नज़ारा भयानक था, डरावना था. चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी. जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक ज़मीन खून से सनी हुई थी, और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे लाशें धूप की गर्मी में सड़ने लग गई थी. और ये सब भयानक नज़ारा मैंने अपने आँखों से देखा है. बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी आफ्टर अ फेमस विक्ट्री. ओल्ड कैस्पर फिर अपनी बात दोहराता है. वो कहता है कि इतनी बड़ी लड़ाई हमने जीत ली और युद्ध में तो ऐसी सारी चीज़ें होती ही हैं. ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबोरो वन एंड आर गुड प्रिंस यूजीन. फ्रेंड्स, इंग्लैंड ने बैटल ऑफ ब्लेनहम को जीता था और इंग्लैंड की जीत के पीछे ड्यूक ऑफ मार्लबोरो और प्रिंस यूजीन का हाथ था. इन दोनों की वजह से ही इंग्लैंड वॉर को जीत पाया था. तो ओल्ड कैस्पर यही बात पीटर किन को बता रहा है. वो कहता है कि जब हमने वॉर जीत लिया तब सभी लोग मिलकर ड्यूक ऑफ मार्लबोरो और प्रिंस यूजीन की तारीफ कर रहे थे. वाई इट वॉज अ वेरी विकेड थिंग सेड लिटिल विलेलमीन. पीटर किन और छोटी सी विलेलमीन दोनों ही बहुत ध्यान से ओल्ड कैस्पर की बातों को सुन रहे थे. और फ्रेंड्स, बच्चे तो बहुत ही मासूम होते हैं, उन्हें कहाँ समझ आने वाली थी युद्ध की बातें. तो ओल्ड कैस्पर की बातों को सुनकर विलेलमीन कहती है कि आपने तो कहा कि युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, तो फिर ये युद्ध हमारे लिए फेमस विक्ट्री कैसे हो सकता है? ये वॉर तो बहुत ही बुरी चीज़ है, आप इस वॉर को अच्छा कैसे कह सकते हैं? ने ने माय लिटिल गर्ल कोथ ही इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. और विलेलमीन के सवालों का ओल्ड कैस्पर के पास कोई जवाब नहीं था. वो बस इतना कहता है कि नहीं, ऐसी बातें नहीं बोलते, ये तो हमारे लिए एक बहुत ही फेमस विक्ट्री थी. एंड एवरीबॉडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन. ओल्ड कैस्पर कहता है कि सभी लोग मिलकर ड्यूक की तारीफ कर रहे थे, उन्हीं की वजह से तो हमने इतने बड़े युद्ध को जीता था. बट वॉट गुड कम ऑफ इट एट लास्ट कोथ लिटिल पीटर किन. और अब पीटर किन ओल्ड कैस्पर से सवाल करता है. वो कहता है कि आप बार बार कह रहे हैं कि ये वॉर हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन आप ये बताइए कि इस युद्ध को जीत कर हमने क्या हासिल किया? युद्ध को जीतने के बाद आखिर हमें क्या मिला? Why that I cannot tell, said he, but it was a famous victory. और एक बार फिर ओल्ड कैस्पर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था. वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि युद्ध जीतकर हमें क्या मिला, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, ये हमारे लिए फेमस विक्ट्री थी. तो फ्रेंड्स, ये था पोएम आफ्टर ब्लेनहम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.